दिस इज द सैम्पल पेपर यू हैव टू सॉल्व दिस इन योर कॉपी एंड आफ्टर सॉल्विंग यू हैव टू मेक पीडीएफ एंड यू हैव टू अपलोड इन वीजेपी एलएमएस. Write down today's date. Give a heading sample paper. And at present the strength is 21 students. Total 22 including me. So 22 is the strength. So 21 PDF should be uploaded at 3:30. Start solving. Yes, Suhani. Suhani, any doubt? Yes, Janya. Ma'am, we have to write in maths copy. Yes, we have to write this in maths copy. Ma'am, your voice is breaking. Yes, Samriddhi. Ma'am, we have to write question also. No, no questions. You have to directly solve the questions. Just give numbering. Numbering should be proper. हाँ भाग्या. Ma'am, इसका solution बनाते जाए कि question भी लिखना है. Solution बनाते जाओ बेटा. Question नहीं लिखना है. Question number one, the cost of 7 toys is, take it in rupees, 294, find the cost of 2 toys. So for finding cost of 2 toys, you need to find the cost of 1 toy first. Don't send answer here. Aap solve karte jao. I will check your answers from VJB LMS. Aap upload karoge aaj answer sheet. I will check from them. Everyone have to solve this in their copy. So cost of one toy is 294 divided by 7. Questions are based on unit tree method. जिन्होंने वीडियो स्टार्ट नहीं किया स्टार्ट योर वीडियो. Tithi, start your video. Suyash, Yug, Shashwat, Kavya, start your video. Solve this in copy and in neat handwriting. और सब PDF जब बनाएंगे तो PDF clear होना चाहिए. Okay? If your PDF will be blur, then अगर आपका PDF blur होगा तो ma'am check नहीं कर पाएंगी and you will be marked as absent.
भाव्य सॉल्व इन कॉपी, ओपन योर कॉपी. वेर इज योर कॉपी भाव्य, शो मी. सॉल्व इन योर कॉपी, सिर्फ कॉपी दिखाओ मत. क्वेश्चन नंबर टू इज माइक कैन वॉक 128 किलोमीटर्स इन 16 आवर्स. सो व्हाट डिस्टेंस कैन ही वॉक इन 3 आवर्स. सो फॉर दिस यू नीड टू नो, पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग. करेक्ट. सो इन 1 आवर हाउ मच डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग. सो 128 डिवाइडेड बाई 16, वी विल गेट आंसर हाउ मच डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग इन 1 आवर. Okay. What distance can he walk in 3 hours? Multiply the answer with 3. You will get the answer. All the questions are based on unitary method. अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन रेज योर हैंड. एज एक्सपेक्टेड भव्य विल रेज द हैंड. यस तपस्या, कौन सा क्वेश्चन? मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 6 समझ नहीं आया. क्वेश्चन नंबर 6 इज द एनुअल रेंट ऑफ अ हाउस इज 36,000. एनुअल रेंट मीन्स 12 मंथ का रेंट है 3,600. यू हैव टू फाइंड द रेंट ऑफ 5 मंथ. तो पहले आप क्या निकालोगे, 1 मंथ का रेंट कितना होगा. सो 3,600 डिवाइडेड बाई 12, तो आपको 1 मंथ का आंसर मिल जाएगा. नाउ यू हैव टू फाइंड द रेंट ऑफ 5 मंथ. सो जो भी जितना भी आंसर 1 मंथ का आया है, मल्टीप्लाई दैट आंसर विथ 5 मंथ. ओके. ओके मैम. बोलो मैम. 3 थर्ड का नंबर. द कॉस्ट ऑफ 12 केजी ऑफ शुगर इज 240. फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 केजी. पहले 1 केजी का कॉस्ट निकालो. 1 केजी का कॉस्ट कैसे निकालेंगे भव्य? प्लस करेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड भावे? व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड? हाँ, पहले बताओ व्हाट डू यू मीन बाय यूनिटरी मेथड. आपको वो ही क्लियर नहीं है तो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द आंसर. यस मौलिक. मैम 6 क्वेश्चन इज एनुअल रेंट क्या मैम? यस. मैम मेरे को 5th क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा. क्यों? अ ट्रेन कवर्स. मैम मेरे को डिवाइड करना नहीं आ रहा 5th क्वेश्चन. 828 डिवाइडेड बाय 9. यस मैम.
So 9 9 is 81 and 9 2 is 9 2 is 18. Answer is 92. Okay, ma'am. Train travels 92 kilometers in 1 hour. So you have to find how much it will travel in 6 hours. So into kar do 92 into 6. Annual rent means annual matlab annual exam matlab pure saal ka aapne kya padha wo annual exam na matlab annual means pura yearly. Annual means yearly. So annual rent means yearly rent pure saal ka 12 month ka rent. Okay Maulik. Yes, Samriddhi. मैम मैं गलती से टूल छोड़ के थ्री कर दी तो मैम मैं क्या करूँ अब? नंबरिंग प्रॉपर करो बेटा, नंबर ठीक करो. यस मैम, नंबर ठीक कर दे. हाँ, नो प्रॉब्लम. This is a practice for your annual examination. आपको annual exam में भी ऐसे ही carefully solve करना है. और अगर कभी कोई mistake हो रही है, बस आप answers में numbering proper करो, ताकि मैम को समझ में आ जाए कि आप अगर आगे पीछे भी लिखे हो तो मैम को numbers clear रहे. आराम, कितने questions solve किए? मैम सिक्स में हो. सिक्स में हो, ओके. टोटल 15 क्वेश्चंस आर देयर, सो डू इट फास्ट. यू यस मैम. कितने सॉल्व हुए? यस मैम. कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए? मैम फाइव. Five. Okay. What about your notes PDF, Yug? मैम ने ईमेल आईडी भेज दो, आज भेज दूंगा. ईमेल आईडी? यस मैम. आज मुझे मिल जाने चाहिए. जश एंड काव्या, धैर्य, दर्शन. हाँ तपस्या. मैम आपको मेरे नोट्स आ गए ना ईवीएस और मैथ्स के? हाँ बेटा, जिसका नहीं मिला मैं उनके नाम ले रही हूँ. यू डोंट रेज योर हैंड. सो एवरीवन नाउ गेट वेरी सीरियस बिकॉज आपके एनुअल एग्जाम्स हो रहे हैं स्टार्टिंग फ्रॉम मार्च. सो स्टार्ट प्रिपेयरिंग. एंड इन ईवीएस आई टोल्ड यू, पहले भी बताया मैंने कि क्वेश्चंस विल कम फ्रॉम इनसाइड द चैप्टर्स आल्सो. सो चैप्टर आपको चैप्टर भी अच्छे से पढ़ना है, ठीक है? क्वेश्चन विल कम फ्रॉम इन ईवीएस एंड इन मैथ्स आल्सो. लाइक इन हाफ ईयरली आई हैव गिवन डेफिनेशन. सो आपके बुक में जहाँ पे भी अंडरलाइन किया है, जहाँ पे भी हाईलाइटेड डेफिनेशन है, वो आपको पढ़ने हैं. ओके, इन मैथ्स. तने एंड रिद्धि, यू जॉइन रिद्धि क्लास लेट? यस मैम. Ma'am, I am out of a station, so here is no network connection, so that's why, ma'am, I can't start the video. So, and what about, are you solving this in your copy? You are out of station then? Ma'am, I have written on the copy. I try. Yes, ma'am. Ma'am, see, I have written on the copy. Wait a minute. Show me.
ओके प्रीति गुड. Tanay, what about you? Start your video. Yes, ma'am. Where is your copy, Tanay? How much questions you have solved? Only two. Yes, ma'am. Because I am going to do it fast. And after writing, after solving, you have to make PDF and you have to upload this PDF in VJV LMS. And how to upload in VJV LMS? On Monday, I have taken meeting. उस दिन मैंने बताया था, है ना? Clear है ना सबको? And time for uploading is from 3:30 to 4:30. 3:30 के पहले and कोई 3:30 के पहले अगर you will try, तो it will not take. So timing is from 3:30 to 4:30. And after 4:30, if you will try to upload, तब भी वो upload नहीं होगा, it will not accept. So within that duration, you have to upload your PDF. Only 10 minutes left. Here are the remaining questions. Total 15 questions are there. Take a screenshot. And everyone will try. At least सब लोग try करेंगे VJV LMS में अपना PDF upload करने के लिए. और जब आप PDF बनाओगे, rename your PDF. जब भी आप PDF बनाओगे, वहाँ पे आप अपने PDF को नाम दे दो, whatever your name and maths sample paper one. Okay? Means आपको ज़्यादा search नहीं करना पड़ेगा. जब आपकी phone की gallery open होगी, आपको ज़्यादा search नहीं करना पड़ेगा. Yes, Vidhi. मैम ये जो मैम ट्रायल एग्जाम यस विद फ्रॉम एवरीमेस ऐप यस यस मैम समृद्धि बेटा आपके नोट्स आप व्हाट्सएप करोगे और यू विल सेंड इन ईमेल आईडी. आवाज नहीं आ रही आपकी. ड्रॉप मैसेज. Your internal marks are based on your copy. So, जिनकी कॉपी मिली है मुझे और जिनकी कॉपी कंप्लीट है उन्हें ही मैं मार्क्स दूंगी. Those who have not sent it, I am not going to give marks to them. So, internal marks they are totally in my hand. So, जिनकी कॉपी मुझे नहीं मिली है, जिनका incomplete है, I will not going to give marks.
EVS and maths. Yes, Tapasya. मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 13. क्वेश्चन नंबर 13 इज ही अर्न्स दिस मच 48,000 इन 3 months. 3 months में इतना अर्न करता है. यू हैव टू फाइंड व्हाट इज हिज एनुअल इनकम, मतलब 12 मंथ्स में वो कितना अर्न करेगा. सो फर्स्ट फाइंड the how much he earn in 1 month, एक महीने में कितना earn करता है वो निकालो. Multiply the answer with 12. Okay ma'am. हाँ तिथि. ma'am मेरा EVS और maths का आपके पास भेजा गया है PDF. मैं जिन्होंने सेंड नहीं किया है उन्हें बोल रही हूँ. आई एम नॉट आस्किंग यू. यस हाँ रख मैम. क्वेश्चन 12 नहीं आ रहा. 12 डिवाइड अ बाइसाइकिल फैक्ट्री. यस मैम. प्रोड्यूसेस 1,505 बाइसाइकिल इन अ वीक. How many bicycles will it produce in 30 days? Ma'am, mera upar answer aa raha hai 212201. So 1,505 divided by 7. Yes, ma'am. So what is your answer? Ma'am, 7 ones aayega na? 7 ones aa kyun loge beta? Pehle kya hai? 15 hai na? 150. So 215 bicycles. So in 30 days 215 into 30. Yes, Ashi. नाम अभी जितना होगा उतना भेजना है आपको. नहीं, आपका PDF अपलोड करने का टाइम 3:30 है और आपकी क्लास 2 बजे ओवर हो जाती है. तो आपके हाफ आवर में क्वेश्चन नंबर 15 तक आप पूरा सॉल्व करोगे और उसे अपलोड करोगे. हाँ यस शशि. वॉइस क्लियर आ रही है? मैम आपको वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ अभी आ रही है. मैम तो 3:30 तक का टाइम है कि 2:30? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. 3:30 से आपको अपलोड करना स्टार्ट करना है. ओके मैम. और सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने ऑल क्वेश्चंस ऑल 15 क्वेश्चंस. यस अवनी. मैम जो क्वेश्चन नंबर 7 है मैम, मैंने उसको ऐसे सॉल्व किया है मैम, मतलब पहले जो मैम रॉन की सैलरी 36 डेज की निकालनी थी, तो पहले 1 month की निकाली, फिर उसके बाद 6 डेज की, और फिर उन दोनों को प्लस करके जो आंसर आया वो ऐसे सही है. क्यों बेटा इतना लंबा प्रोसेस क्यों किया आपने? मैम तो ऐसे कर मैम, तो फिर एक डे का निकाल के फिर हाँ 1 डे का निकाल के फिर उसे 36 से मल्टीप्लाई करना है. इट्स वेरी इजी. मैम तो ऐसे में आंसर गलत आएगा? नहीं ऐसे में आंसर सही आएगा, बट इट्स वेरी लेंथी प्रोसेस. सो आप क्यों पहले आपने क्या क्या किया? पहले डिवाइड किया.
यस मैम। देन उसके बाद 30 डेज का निकाला है ना, यस मैम। फिर 6 डेज का अलग से निकाला, यस मैम। फिर दोनों को ऐड किया, यस। आपने 2 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन, सो इट्स अ वेरी लेंथी प्रोसेस ना, तो आपको इसमें डायरेक्टली डिवाइड करना है फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है आंसर को, ओनली 2 स्टेप। यस मैम, मैम वैसे ही कर लेती हूँ मैम, इसमें आंसर गलत भी हो सकता है। And I told you this is a unitary method, so why are you solving in that manner? Yes. Solve it again. हाँ ना? मैम 13 समझ नहीं आ रहा, मैम सॉरी 13. 13 मैंने आया था, तपस्या ने पूछा था, तपस्या और anyone else किसी ने तो पूछा था। मैंने ध्यान नहीं दिया मैम, मैं दूसरा क्वेश्चन कर रहा था। 3 मंथ्स की अर्निंग दी है। यस मैम। डॉग अर्न्स 48,000 इन 3 मंथ्स, सो फाइंड द। मैम मेरा डे डिवाइडिंग में आंसर है 1600। सारा हाँ 3600 करेक्ट, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज एनुअल इनकम पूछा है, सो एनुअल इनकम मींस 12 मंथ्स इन अ ईयर। मैम मेरा 3600 नहीं आया, तो 1600, 3600 आना चाहिए। मेरा नहीं आया, तो आपका 3600 कैसे बोला आपने? मैम 1600 बोला, 3600 आंसर। मेरे डिवीजन में कोई गलत किया।